स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस है, तो देखना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन प्लीज, ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। आज का जो वीडियोस है वो है यूट्यूब गेमिंग के ऊपर, और ये ऐप है, इस ऐप के थ्रू आप यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं अपने चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप कंप्यूटर के थ्रू और पीसी के थ्रू अपना गेम लाइव स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब में, लेकिन अगर आपको मोबाइल में अगर आपको अपना गेम स्ट्रीम करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो उसी के लिए ये ऐप है यूट्यूब गेमिंग ऐप, और इसके थ्रू आप अपना चैनल में आपको गेम को ब्रॉडकास्ट करना होगा, अपने लाइव स्ट्रीम करना होगा, और या चाहे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसे रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर सकते हैं, और ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें झमेला नहीं है। आपको लॉगिन करना होता है और उसमें बस अपने चैनल को उसमें डालना होता है, अपने चैनल को इन्फॉर्म करना होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मेरा खुल गया है मेरा ऐप, तो आप देख सकते हैं ये मेरा ऐप है, ये उसका होम पेज है, कितने सारे गेम्स अभी भी रिकमेंडेशन में आए हैं, काफ़ी सारे गेम्स जो अपलोड हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा चैनल है गेम राइडर ऑल यूट्यूब में, तो यहाँ पर तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि आप इसमें कैसे अपने गेम्स को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीड कैसे आप करें। ऊपर में एरो का चिन्ह है, तो ऊपर में आपको एरो जो दिख रहा है उसमें अपलोड वाला, उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको आएगा ऑप्शंस, सेटिंग्स का ऑप्शंस, उसमें आपको दो ऑप्शंस आएंगे, एक स्ट्रीम्स का और एक रिकॉर्ड्स का। तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या स्ट्रीम कर सकते हैं। तो नीचे आपको ऑप्शन है वीडियो फॉर्मेट का, या आप 720p HD में करें या 480p में करें, ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपका इंटरनेट स्पीड स्ट्रेंथ है तो उसी हिसाब से चुने, आप अपना बीट रेट देखें, अपना MS देखें, आपको इंटरनेट का MS कितना आ रहा है, अगर आप ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं या आप जियो यूज़ कर रहे हैं उसी हिसाब से, और इसके उसी हिसाब से अपना सेटिंग्स करें। इसके बाद नेक्स्ट करें, नेक्स्ट में फ्यू टिप्स आपको बताए जाएंगे, और इसको फिर नेक्स्ट करें। इसके बाद ऑप्शंस आएगा कि सेलेक्ट ऐप करने के लिए, यहाँ सेलेक्ट ऐप का मतलब है आपको गेम सेलेक्ट करना है, तो कोई एक गेम आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ मैं कौन सा गेम सेलेक्ट करूँगा, तो मैं ऑल गेम में जाता हूँ और मैं पबजी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑप्शंस आ गया है पबजी, तो यहाँ ऑटोमेटिकली टाइटल अपने आप लिखा जाता है, लेकिन आप अपने से भी अपना टाइटल लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला टाइटल है, नीचे वाला डिस्क्रिप्शन है एड स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन में, तो मैं रिकमेंडेशन आप अपने से टाइटल लिख सकते हैं, वैसे अपने से आ जाता है, तो ऊपर और नीचे वाला टाइटल आप लिख लीजिए। तो मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ तो इसमें भी मैं नहीं लिखूँगा, तो आप कुछ भी अपना टाइटल खुद का बना लीजिए, डिस्क्रिप्शन लंबा चौड़ा लिख दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आएगा आपको शेयर करने के लिए, तो आप किसी भी सोशल मीडिया में सिर्फ एक बार शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फेसबुक में आप शेयर कर लीजिए, आपके जो फ्रेंड्स ऑनलाइन हैं वो आपका वीडियो देख लेंगे, उसमें शेयर कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कर लीजिएगा, इसके बाद स्टार्टिंग का ऑप्शन देगा तो उसको स्टार्ट कर लीजिए, इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट साइड में आपका जो ये है ऑप्शन आया है, तो कैमरे का ऑप्शन आया है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको अपना फेस रिवील नहीं करना है, दिखाना नहीं है, तो आप उसी के ऊपर में एक कैमरे का चिन्ह है, कैमरे का सिंबल है, उस पर क्लिक कर दीजिए। कैमरे का सिंबल पर क्लिक कीजिएगा तो आपका चैनल का जो लोगो है या चैनल पे जो आप डाले हैं लोगो और उसका एक वो आ जाएगा, और उसके एकदम एकदम राइट साइड में कॉर्नर में आप देखिएगा एक सेटिंग्स का चिन्ह है,
सेटिंग सचिन पे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर एक चैनल का वही वीडियो का चिन्ह है, उसके ऊपर एक आगे पीछे करने वाला है, उसको छोटा बड़ा कीजिएगा तो वो आपका लोगो तो एकदम छोटा हो जाएगा, बीच में कीजिएगा तो मीडियम साइज का हो जाएगा, उसी हिसाब से आप उसको ये कर सकते हैं। बीच वाला जो है वो आपका लाइव स्ट्रीम करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए है, और ये आपका माइक है, तो याद रहे कि माइक आपको ऑन रखना है, नहीं तो आपका गेम का साउंड आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। और दूसरी बात कि अगर आपका माइक ऑन है तो आपका आवाज़ भी रिकॉर्ड होगा। जी हाँ, अगर आपका माइक ऑन है तो आवाज़ भी आपका रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे आपको कमेंट डिसेबल करने के लिए दिया, अगर आप कमेंट आता है आपका लाइव स्ट्रीम में तो आप कमेंट यहाँ देख सकते हैं, लेकिन आप डिसेबल कर दीजिएगा तो आप कमेंट लाइव स्ट्रीम नहीं देख पाएंगे। अगर आपको ऊपर का हटाना है, जैसे कि अभी ऊपर दिख रहा है आपको, ऊपर का सारा सेटिंग्स दिख रहा है, तो आप चाहते हैं कि ये ऊपर का सेटिंग्स ना देखें, तो आपको इस नीचे लोगो वाला चिन्ह पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा ये हट जाएगा, लेकिन ये अभी फ़िलहाल हटेगा नहीं, मुझे इसको लाइव स्ट्रीम करना होगा तब ये हटेगा। तो ये इसका प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप गेम को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। और इस अगर आपको इसको डिसकनेक्ट करना है तो ये जो लोगो है इसी को दोबारा क्लिक करके ऊपर का सेटिंग्स आ जाएगा, और जो टैप टू स्ट्रीम है उसी को दोबारा उसी पर क्लिक करने से वो स्टॉप हो जाता है, स्टॉप का ऑप्शन आता है तो वो स्टॉप हो जाएगा आपका लाइव स्ट्रीम। इस तरह से इस ऐप का सेटिंग्स है। चलिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर आइए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियोस में। टेक केयर, बाय बाय।